कार्तिक महा महत्तम अध्याय 30। हरे कृष्णा राधे राधे। कल हमने कार्तिक महा महत्तम के अध्याय 28 और 29 में बहुत सुंदर कार्तिक शुक्ल एकादशी व्रत की विधि को जाना था, साथ ही प्रीति विवाह का वर्णन भी सुना था। अब आज इस अध्याय 30 में हम शालग्राम और ध्वजारोपण का महत्व जानेंगे। शुरू करते हैं कार्तिक मास की कथा, करती भव से पार। 30वां अध्याय सुनो, होगी हरि कृपा अपार। श्री सूत जी कहते हैं, ध्वजारोपण सब पापों का नाश करने वाला है। चारों वर्णों में से जो कोई भी भगवान के मंदिर में झंडी लगाता है, वह ब्रह्म आदि देवताओं से पूजित होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, हम तुम्हें एक पुरातन इतिहास सुनाते हैं, ध्यान पूर्वक सुन। पूर्व काल में सतयुग में सुमति नाम का एक चंद्रवंशीय राजा था। वह राजा भगवान का भक्त, अहंकार रहित सप्तद्वीप का राजा था। सत्यवती नाम की उसकी पत्नी अत्यंत प्रतिवर्ता थी। वह भगवान के सामने नृत्य किया करती थी तथा कार्तिक शुक्ल द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करती थी। एक दिन राजा तथा रानी को देखने के लिए विभंडक ऋषि आए। राजा ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। तब राजा को ध्वजारोपण करते देखकर मुनि ने कहा, राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी अनेक साधन हैं, परंतु तुम्हारी इस ध्वजारोपण में इतनी श्रद्धा क्यों है? राजा कहने लगा, हे मुनि, एक अद्भुत आश्चर्य युक्त इतिहास है जो मैं आपको सुनाता हूं। मैं पूर्व जन्म में एक मालिनी नाम का कुमारगी, ब्राह्मण द्वेषी महापापी शूद्र था, साथ ही वैश्यगामी भी था। मेरे इन कर्मों को देखकर मेरे बंधु बांधवों ने मुझे त्याग दिया। इसके बाद मैं एक वन में जाकर एक टूटे हुए विष्णु मंदिर में रहने लगा और वन के मृग आदि जीव जंतुओं को मारकर पेट भरने लगा। इसके पश्चात विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली कोकिन्नी नाम की निषाद की कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, भूख से व्याकुल हुई उस मंदिर पर मेरे पास आई और मेरे पास ही रहने लगी। संयोगवश कार्तिक शुक्ल द्वादशी के दिन हमने एक कपड़े को बांधकर उसकी एक झंडी सी बनाई और दोनों मदिरा पान करके उस झंडी जैसे कपड़े को लेकर विहल होकर सारी रात खूब नाचते रहे। सारी रात नृत्य करते रहने के कारण प्रातःकाल हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब देवदूत हमें पाश पे बांध कर मारते हुए यमराज के पास ले जाने लगे। उसी समय भगवान विष्णु के दूत विमान लेकर वहां पर आ गए और यम दूतों को धमकाते हुए बोले, तुम पापियों को यमपुरी ले जा सकते हो, धर्मात्माओं को नहीं। परंतु यमदूत भी अत्यंत क्रोधित होकर कहने लगे, ये दोनों महापापी हैं, इस कारण ये यमपुरी ले जाने के योग्य हैं। इन दोनों ने जीवन भर एक भी पुण्य कार्य नहीं किया। तब भगवान विष्णु के पार्षद कहने लगे, खेद की बात है, तुमको धर्म अधर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं। ये ठीक है कि ये दोनों सारी आयु महापापों में ही रत रहे हैं, परंतु इन्होंने कार्तिक शुक्ल द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण किया तथा नृत्य किया है। अब ये पापी नहीं रहे, इनके संपूर्ण पाप क्षय हो गए हैं, इस कारण ये विष्णु लोक में जाने के अधिकारी हैं। भले ही इन्होंने अनजाने में ही ये सब कार्य किए हैं। इसके बाद विष्णु भगवान के दूत उन दोनों को विमान में बिठाकर विष्णु लोक को ले गए। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, अनजाने में ही ध्वजारोपण का ऐसा फल है तो श्रद्धा के साथ कार्तिक शुक्ल द्वादशी को जो ध्वजारोपण करता है उसके फल का तो कहना ही क्या है। इतनी कथा सुनकर विभंडक ऋषि तपोवन को चले गए। सभी ऋषि बोले, हे प्रभु, आप योगियों में श्रेष्ठ है, हमने आपके मुख से सब धर्मों का श्रवण किया, अब कृपा कर शालिग्राम पूजन की विधि का विस्तार के साथ वर्णन करो। सूची बोले, महामते, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। शालग्राम शिला में सदा चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी लीन रहती है। जो शालग्राम शिला का दर्शन करता है, उसे मस्तक झुकाता है, स्नान कराता है और पूजन करता है, वह कोटि यज्ञों के समान पुण्य तथा कोटि गोदानों का फल पाता है। जो पुरुष हमेशा भगवान विष्णु की शालग्राम शिला का चरणामृत पीता है, उसे गर्भवास के भयानक कष्टों का नाश कर दिया जाता है।
जो सदा भोगों में आसक्त और भक्ति भाव से हीन है, वह भी शालग्राम शिला का पूजन करके भागवत स्वरूप हो जाता है। शालग्राम शिला का स्मरण, कीर्तन, ध्यान, पूजन और नमस्कार करने पर कोटि कोटि ब्रह्म हत्याओं का पाप भी नष्ट हो जाता है। शालग्राम शिला का दर्शन करने से अनेक पाप दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन शालग्राम शिला की पूजा करता है, उसे ना तो यमराज का भय होता है और ना मरने या जन्म लेने का। जिन मनुष्यों ने भक्ति भाव से शालग्राम को नमस्कार मात्र कर लिया, उनको फिर मनुष्य योनि प्राप्त नहीं होती, वो तो मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। जो शिव भक्ति के घमंड में आकर भगवान वासुदेव को नमस्कार नहीं करते, वे पाप से मोहित है, उन्हें शिव भक्त भी नहीं समझना चाहिए। जहां शालग्राम शिला रूपी भगवान केशव विराजमान है, वही संपूर्ण देवता, असुर, यश तथा 14 भुवन मौजूद है। अन्य देवताओं का करोड़ों बार कीर्तन करने से जो फल मिलता है, वो भगवान केशव का एक बार कीर्तन करने से ही मिल जाता है। इसलिए कलयुग में श्रीहरि कीर्तन ही सबसे पुण्य देने वाला है। श्रीहरि का चरणामृत पीने से समस्त पापों का प्रायश्चित हो जाता है। जो विष्णु भक्त ब्राह्मण को शालग्राम शिला का दान करते हैं, उन्होंने मानो 100 यज्ञों द्वारा भगवान का यजन कर लिया। जो शालग्राम शिला के जल से अपना अभिषेक करता है, उसने संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया और समस्त यज्ञों की दीक्षा ले ली। जो प्रतिदिन भक्ति पूर्वक एक सेर तिल का दान करता है, वह शालग्राम शिला के पूजन मात्र से उस फल को प्राप्त कर लेता है। शालग्राम शिला को अर्पण किया हुआ थोड़ा सा पत्र, पुष्प, फल, जल, मूल और दूर्वा दल भी मेरु पर्वत के समान महान फल देने वाले हैं। जहां शालग्राम शिला से प्रकट होने वाले भगवान शालग्राम तथा द्वारका से प्रकट होने वाले भगवान गोमती चक्र हो तथा जहां इन दोनों का संगम हो, वहां निरसंदेह मोक्ष की प्राप्ति होती ही होती है। शालग्राम शिला के पूजन में मंत्र, जप, भावना, स्तुति अथवा किसी विशेष प्रकार के आचार का बंधन है। शालग्राम शिला के सम्मुख विशेषतः कार्तिक मास में आदर पूर्वक स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर मनुष्य अपनी 7 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। जो श्रीहरि के मंदिर को सजाने से अगम्य गमन तथा अभक्षित भक्षण जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो नारी रोज भगवान विष्णु के सामने चौक पूरती है, वह 7 जन्मों तक कभी विधवा नहीं होती। कार्तिक मास महत्तम अध्याय 30 समाप्त। अब आज हम 2 अध्याय सुनेंगे, कार्तिक महा महत्तम अध्याय 31। अब इस अध्याय में कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति की एक बहुत सुंदर कथा को सुनेंगे। शुरू करते हैं कार्तिक मास महत्तम का ये 31वां अध्याय। बतलाया भगवान ने प्रभु स्मरण का सरल उपाय। राजा पृथु ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, कृपया कर मुझे कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति के विषय में बतराए। नारद जी बोले, हे राजन, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण महाराज का शरीर और वेणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महत्ता श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में समर्थ नहीं है। फिर भी चूंकि आपने पूछा है, इसलिए आपको इनकी उत्पत्ति का वृतांत सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। चक्षु मनवतर के आरंभ में ब्रह्मा जी ने सहाय पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वे भगवान विष्णु, भगवान शंकर तथा समस्त देवताओं सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की भार्या त्वरा को बुलाया। वो बड़ी धीमी गति से आ रही थी। इसी बीच में भृगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपने त्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त निकला जाएगा। इस पर भगवान विष्णु बोले, यदि त्वरा यथा समय यहाँ नहीं आती तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिए। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? इतना कहने के बाद नारद जी कुछ रुके, फिर पुनः बोले, हे राजन, भगवान विष्णु की इस बात का समर्थन भगवान शंकर जी ने भी किया। ये बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को ही ब्रह्मा जी के दाई और बिठाकर दीक्षा विधान शुरू कर दिया। जिस समय ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा देने लगे, उसी समय त्वरा भी यज्ञ मंडल में आ गई।
ब्रह्मा जी के दाई और गायत्री को बैठा देखकर ईर्ष्या से कुपित होकर त्वरा बोली, जहां अपूज्यों की पूजा और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहां पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अवश्य ही हुआ करते हैं। ये गायत्री ब्रह्मा जी की दाई और मेरे स्थान पर विराजमान हुई है, इसलिए ये अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप सभी देवताओं ने बिना विचारे इसे मेरे स्थान पर बिठाया है, इसलिए आप सभी जड़ रूप नदी होंगे। नारद जी राजा पितु से बोले, हे राजा, इस प्रकार त्वरा के शाप को सुनकर गायत्री क्रोध से आग बबूला होकर अपने होंठ चबाने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर त्वरा को श्राप दे दिया। गायत्री बोली, त्वरा, जिस प्रकार ब्रह्मा जी तुम्हारे पति है, उसी प्रकार मेरे भी पति है। तुमने व्यर्थ ही मुझे श्राप दे दिया, इसलिए तुम भी नदी हो जाओ। तब देवताओं में खलबली मच गई। सभी देवता त्वरा को साष्टांग प्रणाम करके बोले, हे देवी, तुमने ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को जो श्राप दिया वह उचित नहीं है, क्योंकि यदि हम सभी जड़ रूप नदी हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही ये तीनों लोग नहीं बच पाएंगे। चूंकि ये श्राप तुमने बिना विचार किए दिया है, इसलिए ये श्राप तुम वापस ले लो। त्वरा बोली, हे देवगण, आपके द्वारा यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन न किए जाने के कारण ही ये सभी विघ्न उत्पन्न हुआ है। मेरा ये श्राप कदापि खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सभी अपने अंगों से जड़ी भूत होकर अवश्य मेव नदियां बनोगे। हम दोनों सौतने भी अपने अपने वंशों पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेंगी। नारद जी राजा पितु से बोले, हे राजन, त्वरा के ये वचन सुनकर भगवान विष्णु, शंकर आदि सभी देवता अपने अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेणी तथा ब्रह्मा जी के अंश से पकुदमवती नामक नदियां उत्पन्न हो गई। समस्त देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वही सहाय पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश पृथक पृथक नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से सहस्त्रों की संख्या में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां उत्पन्न हो गई। गायत्री और त्वरा दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां होकर एक साथ बहने लगी। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थान पर भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अतिबल के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी के उत्पत्ति का ये वर्णन जो भी मनुष्य सुनेगा या सुनाएगा, उसे नदियों के दर्शन और स्नान का फल मिलेगा। राजा पृथु बोले, हे नारद जी, आपके श्री मुख से कार्तिक मास का महत्तम सुनकर मैं धन्य हुआ। अब कृपया कर अन्य धर्मों का भी वर्णन करें, जिसका कार्तिक में अनुष्ठान करने से मनुष्य अपने समस्त पाप धोकर देवता बन जाता है। नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक मास को देखकर जो मनुष्य दूसरे का अन्न त्याग देता है, वो प्रतिदिन कृच व्रत का फल प्राप्त करता है। कार्तिक में एक बार भी मांस भक्षण करने से मनुष्य राक्षस की योनि में जन्म पाता है और 60,000 वर्षों तक विष्ठा में डालकर सड़ाया जाता है। उससे छुटकारा पाने पर वह पापी विष्ठा खाने वाला ग्राम शुकर होता है। कार्तिक मास में शास्त्र विरुद्ध भोजन का नियम करने पर अवश्य ही मोक्ष मिलता है। कार्तिक में तिल का दान, नदी का स्नान, सदा साधु पुरुषों का सेवन और पलाश के पत्तों में भोजन मोक्ष देने वाला है। जो कमल के एक फूल से भी देवेश्वर भगवान लक्ष्मीपति का पूजन करता है, वह 1 करोड़ वर्ष तक के पापों का नाश कर देता है। देवताओं के स्वामी भगवान विष्णु कमल के एक पुष्प से भी पूजित और अभिवंदित होने पर 1,700 अपराध क्षमा कर देते हैं। शंख का जल, श्रीहरि को भक्ति पूर्वक अर्पण किया हुआ नैवेद्य, चरणोदक, चंदन तथा प्रसाद स्वरूप धूप, ये सभी तरह के पाप दूर करने वाले हैं। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु के सामने उषा काल तक जागरण करता है, उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। कार्तिक महा महत्तम अध्याय 31 का विराम। कल कार्तिक महा महत्तम के अगले अध्याय को सुनेंगे। तब तक नाम जाप करते रहे और याद रखे, कलयुग केवल नाम आधार। प्रेम से, मन से, भाव से, हर सांस के साथ जपो हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।